दोस्तों, इस वीडियो में इन भारत और अन्य देशों के बीच होने वाले युद्ध अभ्यासों के बारे में जानकारी दी गई है। चलिए देखते हैं कौन कौन से युद्ध अभ्यास हैं। पहला नंबर पे है जीमैक्स। भारत और जापान के बीच तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास जीमैक्स 2018 आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ है। ठीक है, भारत और जापान के बीच में जीमैक्स युद्ध अभ्यास हुआ है। अगला युद्ध अभ्यास, अगला युद्ध अभ्यास का नाम है, युद्ध अभ्यास है उसका नाम है, यह है रक्षा सहयोग और सामरिक संबंधों को 2018 और अधिक प्रगाढ़ बनाने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास का 18वां संस्करण उत्तराखंड में चौबटिया में 16 सितंबर से ले 19 सितंबर के मध्य आयोजित किया गया। ठीक है, युद्ध अभ्यास जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य हुआ। अगला है काजिंद। भारत और कजाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, जिसे अभ्यास कजाकिस्तान में 10 से 30 सितंबर के मध्य आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, इसको देखिए, यह जो युद्ध अभ्यास है कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान के मध्य हुआ। ठीक है, उसका नाम है काजिंद। अगला है सागरमाथा। सागरमाथा चीन और पड़ोसी देश नेपाल के बीच फ्रेंडशिप टू संयुक्त सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण चीन के दक्षिण पश्चिम सियांग प्रांत की राजधानी चेंगदू में 17 सितंबर से 27 सितंबर 2018 के मध्य आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, यह सागरमाथा जो युद्ध अभ्यास है वह चीन और पड़ोसी देश नेपाल के बीच में हुआ है। अगला है वोस्तोक। यह है रूस एवं वृहद स्तर पर 11 सितंबर से 17 सितंबर 2018 के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। ठीक है, यह रूस और इंडिया के बीच, इंडिया का नाम छूट गया है, इंडिया और रूस के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है, वोस्तोक। अगला है वरुण। वरुण युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2018 के तीन समुद्री क्षेत्रों, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में आयोजित हुआ है। ठीक है दोस्तों, वरुण जो है, वरुण युद्ध अभ्यास वह भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य हुआ है। अगला है सिलेनेक्स। सिलेनेक नामक युद्ध भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के संयुक्त दो अभ्यास का 6वां संस्करण श्रीलंका में 7 से 13 सितंबर 2018 के मध्य आयोजित किया गया। ठीक है, जो सिलेनेक्स है वह भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के मध्य हुआ। ठीक है, वह 2018 में हुआ। अगला युद्ध अभ्यास ककाडू रॉयल जो है ऑस्ट्रेलिया नौसेना द्वारा आयोजित और रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना द्वारा समर्थित महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन 19 अगस्त से 15 सितंबर 2018 के मध्य किया गया। ठीक है, इस युद्ध अभ्यास में 27 देशों ने भाग लिया। भारतीय नौसेना के पोत सह्याद्री ने इस अभ्यास में भाग लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय नौसेना का एक पोत नाम है जो काफ़ी विख्यात है, सह्याद्री। इसके साथ साथ ककाड़ियों जो रॉयल युद्ध अभ्यास है वह अमेरिका नौसेना और कई 27 देशों के बीच में हुआ है। अगला है पीच ब्लैक। पीच ब्लैक भारत और ऑस्ट्रेलिया की वायु सेनाओं के मध्य 3 साप्ताहिक पिच ब्लैक का आयोजित हुआ है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पिच ब्लैक जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। पिच ब्लैक 18 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन 24 जुलाई से 18 अगस्त 2018 के मध्य किया गया था। ठीक है, पिच ब्लैक एक्सरसाइज रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवर्षीय रोजगार युद्ध अभ्यास है। उसके बाद IAF के दल में 145 एयर योद्धा होंगजोंग में वरुण कमांडो टीम 4 सुखोई 33 MKI लड़ाकू विमान AC-130 और C-17 परिवहन विमान शामिल थे। मतलब इन जो पिच ब्लैक नामक युद्ध अभ्यास है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, भारत के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण युद्ध पोतों का उपयोग किया गया। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला है अभ्यास मैत्री। भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास थाईलैंड में 6 से 9 अगस्त के मध्य आयोजित किया गया। ठीक है, अभ्यास मैत्री जो है वह भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच 2018 में किया गया। अगला है नौसेना अभ्यास, उसका नाम है नौसेना अभ्यास। यह भारत, जापान और संयुक्त राज्य मालाबार अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय नौसेना 2018 अभ्यास का 20वां संस्करण
फिलीपींस सागर में 7 से 16 जून 2018 के मध्य में आयोजित किया गया। ठीक है, जो यह नौसेना अभ्यास है वह भारत, जापान, संयुक्त राज्य मालाबार, अमेरिका के बीच में हुआ है। ठीक है, अगला है सूर्य किरण, सॉरी यहाँ पर नाम को छूट गया है, किरण मान लीजिएगा, सूर्य किरण। आगे यह सूर्य किरण काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। भारत और नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य 2018 सूर्य किरण 30 मई से 12 जून 2018 के मध्य पिथौरागढ़ उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। यह एग्जाम में पूछा गया है कि किस यह सूर्य किरण है किस जगह पर हुआ रहा है, यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। हरिमऊ शक्ति, यह हरिमऊ शक्ति जो है भारत और मलेशिया रक्षा सहयोग के द्वारा हुआ है। ठीक है, इसमें भारत और मलेशिया ने सहयोग किया है और यह मलेशिया के घने जंगल में 30 अप्रैल से 13 मई 2018 के मध्य संयुक्त परीक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला बिम्बैक्स, 14वां बिम्बैक्स है 2018 में आयोजित किया गया। भारत और वियतनाम के मध्य पहला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जबलपुर मध्य प्रदेश में 29 जनवरी से 30 फरवरी 2018 के मध्य में संपन्न हुआ। ठीक है दोस्तों, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अगला है वज्र प्रहार, 15वां युद्धाभ्यास वज्र प्रहार जो है यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य होगा। यह सैन्य अभ्यास जनवरी 2018 में अमेरिका में आयोजित किया गया। ठीक है, अगला है वरुण शक्ति, वरुण शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया की सेना के मध्य फरवरी 2018 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित किया गया। कौन सी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित किया गया, उसी युद्ध का नाम है, युद्ध अभ्यास का नाम है अरुण गरुड़ शक्ति। ठीक है, इन बी एन कारपोर्ट, यह युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य 2018 में इस संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इन बी एन कारपोर्ट जो भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य में आयोजित किया गया। अगला है अजय बैरियर नामक युद्ध अभ्यास भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के मध्य में आयोजित हुआ है। यह है संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 1 से 14 सितंबर 2018 के मध्य आयोजित किया गया। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना है। ठीक है, उग्र विरोधी अभियानों के एक दूसरे से अनुभव से लाभ उठाना है। ठीक है दोस्तों, अगला है 18वां, समझ लीजिए अजय वैरियर जो युद्ध अभ्यास है वह भारत ब्रिटेन देश और संयुक्त राज्य सैन्य युद्ध अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड में हुआ है। अगला नासिम अल बहर जो है वह है भारतीय नौसेना और ओमान की सहायक सेना के बीच दिसंबर 2017 में हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रबल दोस्तक नामक युद्ध अभ्यास भारत और कजाकिस्तान की थल सेनाओं के मध्य 2 से 15 नवंबर 2017 के मध्य हिमाचल प्रदेश के बफेलो में यह संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है। ठीक है, यह 2017 में संपन्न हुआ है। अगला है फ्लैग फोर है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की सेनाओं के मध्य इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, फ्लैग फोर में कौन कौन से देश हैं, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ये दो तीन देश हैं। अगला है संप्रति जो है 2017 में संपन्न हुई भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य 13 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन 6 नवंबर से 13 नवंबर 2017 के मध्य मिजोरम के IZW स्कूल वैनगती में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यह 2017 में हुआ, संप्रति यह भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य में हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य जम्मू कश्मीर की पूर्वोत्तर की परिस्थितियों के अनुरूप उग्रवादियों और आतंकियों के खिलाफ अभियान का परीक्षण देना होता है। अगला है इम्बैक्स 2017 में संपन्न हुआ युद्ध अभ्यास है वह भारत और म्यांमार के मध्य मेघालय में 20 से 25 नवंबर 2017 के मध्य आयोजित किया गया है। इम्बैक्स भारत और म्यांमार के मध्य हुआ। अभ्यास इकुरुवेन 2017 यह भारत और मालदीव के मध्य 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास 15 से 28 सितंबर 2017 के मध्य कर्नाटक में आयोजित किया गया। ठीक है, अभ्यास इकुवेरिन 2017 भारत और मालदीव के मध्य हुआ। अगला है मित्र शक्ति,
काफी इम्पोर्टेंट। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य 2017 सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति के पांचवें संस्करण का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया, जिसमें भारतीय सेनाओं का प्रतिनिधित्व राजपूताना राइफल रेजिमेंट ने किया, जबकि श्रीलंका की सेना का प्रतिनिधित्व सिंहा रेजिमेंट द्वारा किया गया था। इसके तहत आदर शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियान का अभ्यास किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ इफेक्ट्स हैं। मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के मध्य संपन्न हुआ है। अगला है इंद्र। इंद्र नामक युद्ध अभ्यास भारत और रूस की सेना के मध्य इस संयुक्त सेना का अभ्यास आयोजित किया गया, वो भी 2017 में। अलगिरा नामक युद्ध अभ्यास भारत और ओमान के बीच दूसरा अलगिरा संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन 6 से 19 मार्च 2017 तक हिमालय प्रदेश में बकलोह में हुआ था। अलगिरा नामक जो युद्ध अभ्यास है वह भारतीय सेनाओं और ओमान के बीच में हुआ। वरुण 17 का मतलब है कि 2017। इस युद्ध अभ्यास का जो संपन्न हुआ युद्ध अभ्यास हुआ 2017 में संपन्न हुआ, इसका नाम है वरुण। ठीक है, और अप्रैल 2017 में भारतीय पश्चिमी जहाजी बेड़े ने फ्रांस की सेनाओं के साथ तोलोन फ्रांस के निकट वरुण 17 द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। ठीक है, इस अभ्यास में भारत ने INS त्रिशूल मुंबई तथा आदित्य ने एकीकृत हेलीकॉप्टरों के साथ भाग लिया। यह जो है INS त्रिशूल मुंबई तथा आदित्य एक प्रकार के इंडियन आर्मी के कुछ महत्वपूर्ण हथियार हैं जिनकी मदद से यह युद्धाभ्यास संपन्न हुआ। अगला है सूर्यकिरण 11। सूर्यकिरण संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन 7 मार्च से 20 मार्च 2017 तक उत्तराखंड के राज्य में पिथौरागढ़ शहर में आयोजित किया गया। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेनाओं के इफेक्टिव बटालियन और नेपाल की दुर्ग बक्स बटालियन के मध्य हुआ। कौन कौन से? भारतीय सेना और नेपाल की दुर्ग बक्स सेना बटालियन के मध्य हुआ। अभ्यास के दौरान मानवीय सहायता और आपदा राहत का भी अभ्यास किया गया। इस युद्ध अभ्यास में मानवीय सहायता और आपदा राहत का भी अभ्यास किया गया। अगला है 3वां नोमैडिक एलिफेंट प्रलय। इन दोनों देशों के बीच यह अभ्यास का 22वां संस्करण जिसका आयोजन 5 से 18 अप्रैल तक वांगरते में आयोजित किया गया था। इनमें मंगोलिया की तरफ से स्पेन फोर्स टास्क बटालियन ने, भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर राइफल ने हिस्सा लिया। ठीक है दोस्तों, इस अभ्यास के अंतर्गत उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ सेनाओं को प्रशिक्षित करना था। अगला है प्रबल दोस्तक। प्रबल दोस्तक नामक भारत और कजाकिस्तान के सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन 2 से 15 नवंबर 2017 तक हिमालय प्रदेश में बकलोह में किया गया था। ठीक है, प्रबल दोस्तक जो है भारत और कजाकिस्तान के मध्य हुआ 2017 वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा युद्ध अभ्यास किस सन में हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला है 32 ब्लू फ्लैग 17, मतलब 2017 में यह युद्ध अभ्यास हुआ है। वह 2017 में 2 नवंबर से 16 नवंबर 2017 तक मध्य इसराइल के उबड़ा एयरफोर्ट बेस पर इस संयुक्त युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला है वर्ष 2013 में प्रथम ब्लू फ्लैग इसराइल की द्विवर्षीय योजना वायुसेना युद्ध अभ्यास है। ठीक है, यह तो 7वां 2017 में संपन्न हुआ ब्लू फ्लैग युद्ध अभ्यास है। इस वर्ष युद्ध अभ्यास में इसराइल सहित 7 देशों ने फ्रांस जर्मनी इटली ग्रीस पोलैंड अमेरिका तथा भारत ने हिस्सा लिया। ठीक है, ठीक दोस्तों, इस युद्ध अभ्यास में 7 देशों ने भाग लिया, उसका नाम है ब्लू फ्लैग। इसमें कौन कौन देश ने भाग लिया? फ्रांस जर्मनी इटली ग्रीस पोलैंड अमेरिका भारत। आगे जैसा कि आप देख रहे हैं, यह युद्ध अभ्यास का एक नॉर्मल ट्रेनिंग फिगर है, आप इसमें देख सकते हैं। आगे आपको एक और फोटो दिखाई दे रही है जिसमें आपको कुछ 60 तरीके से इसमें आपको कुछ युद्ध अभ्यास और किन किन देशों के मध्य में हुआ है वह आपको दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच अमीराज शक्ति
हरी मार शक्ति जो है हरी मऊ जिसको कहते हैं इंडिया और मलेशिया के मध्य, नोमैडिक एलिफेंट जो है इंडिया और मंगोलिया के मध्य है, वरुणा जो है फ्रांस और इंडिया के मध्य है, हैंड इन हैंड जो युद्ध अभ्यास है वह इंडिया और चाइना के मध्य है, इम्बैक्स है इंडिया और म्यांमार के मध्य, इंदिरा जो है इंडिया और रसिया के मध्य, प्रबल दोस्तक नामक युद्ध अभ्यास इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य है, इक्वेरियन जो नामक युद्ध अभ्यास है वह इंडिया और मालदीव के मध्य, सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के मध्य, संप्रति इंडिया और बांग्लादेश के मध्य, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के मध्य, शक्ति जो नामक युद्ध अभ्यास है इंडिया और फ्रांस के मध्य, एक है खंजर नामक युद्ध अभ्यास इंडिया और किर्गिस्तान के मध्य, और एक है गरुण शक्ति नामक युद्ध अभ्यास इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य, लास्ट है आपका मैत्री नामक युद्ध अभ्यास इंडिया और थाईलैंड के मध्य। ठीक है दोस्तों, यस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप इसका इनको याद करके ये 2018 का युद्ध अभ्यास में से कुछ स्पेशल इमेज हैं जिसे आप स्क्रीनशॉट द्वारा लेकर के आप इसको ध्यान में रख के याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।